नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अर्पित जैन। चाइना से फैले कोरोना वायरस ने दुनिया के लगभग तमाम देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया के कई वैज्ञानिक जद्दोजहद कर रहे हैं। जिस तरह से तेजी से फैलता जा रहा है ये वायरस, उसी तरह से आए दिन इसके नए नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस का इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि आंखों का लाल होना और आंसू गिरना भी इस वायरस के संक्रमण का एक लक्षण हो सकता है। आपको बता दें, 95,000 नए मामलों के सामने आने के बाद अब कुल मामले बढ़कर के 21,81,000 से भी अधिक हो गए हैं। कुल मौतों का आंकड़ा पूरे विश्व में 1.5 लाख से ऊपर पहुंच गया है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी ने एक अलर्ट जारी करते हुए कहा था कि वायरस के संक्रमण की वजह से कंजक्टिवाइटिस भी संक्रमित व्यक्ति को हो सकता है। इसमें आंखों में जलन के साथ आंखें लाल हो जाती हैं। वॉशिंगटन के किर्कलैंड में कोरोना का इलाज कर रही एक नर्स का कहना है कि कोरोना से संक्रमित लगभग 50% व्यक्तियों की आंखें लाल होने के लक्षण उन्होंने खुद देखे हैं। हालांकि सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने आंखों का लाल होना कोरोना वायरस से संक्रमित होने का लक्षण नहीं बताया है। लिस्ट में ऐसे किसी लक्षण की बात नहीं की गई है। गाइडलाइन में साफ तौर से कहा गया है कि बुखार, कफ और सांस लेने में तकलीफ कोरोना वायरस के संक्रमण का लक्षण हो सकता है। छाती में दर्द और होठों का नीला पड़ना भी संक्रमण का एक लक्षण है। अमेरिकी विशेषज्ञों की इस बात की जानकारी दी है कि पिछले दिनों चीनी शोधकर्ताओं द्वारा हुए शोध में भी यह माना गया कि कोरोना आंखों के आंसुओं से भी फैल रहा है। यह शोध बाकायदा कोरोना वायरस के 38 रोगियों पर किया गया और इसमें पाया गया कि लगभग 1 दर्जन संक्रमित व्यक्तियों की आंखें लाल रंग की हो गई थी। तो तमाम नए दावे इस कोरोना वायरस को लेकर के आ रहे हैं, नए नए लक्षण सामने आ रहे हैं। आप सावधान रहिए, कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन का संपूर्ण रूप से पालन जरूर कीजिए।